दीपावली का उत्साह पटना में अब चरम पर देखा जा रहा है। पूरा बाजार सजकर तैयार है, सभी दुकानों में भीड़ लगी हुई है। तो जो सोने चांदी की दुकान है वहाँ भी काफ़ी भीड़ देखने को मिली है। अब हम देख सकते हैं कि अभी एक आभूषण दुकान में पहुँचे हैं और लोग जो है पहुँच रहे हैं और काफ़ी संख्या में, क्योंकि धनतेरस में लोग अवश्य कर खरीदारी करना शुभ मानते हैं और ख़ास कर इसमें ज्वेलरी की खरीदारी लोग जोर शोर करते हैं, क्योंकि जो ज्वेलरी होती है वो इन्वेस्ट करने वाली वस्तु है और इन्वेस्ट के ये इस त्यौहार में इन्वेस्ट को लेकर भी लोग सोचते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ खरीदा जाए जो रखा जा सकता है, इन्वेस्ट किया जा सकता है। और अभी जो पिछले वर्ष की अपेक्षा माना जाए तो काफ़ी सोने और चांदी के दामों में काफ़ी वृद्धि हुई है, तो लेकिन जो धनतेरस का उत्साह है वह कम नहीं हो रहा है। क्या सर, सामान खरीद लिए, खरीदारी कर लिए? जी जी जी। क्या है इस बार रेट, क्या रेट? ठीक है, 77 का रेट है। ठीक है रेट। दीपावली का उत्साह किस तरह से? इनसे पूछिए, इनसे बताइए। ठीक है सर, कैसा है इस बार का बाजार? बाजार तो बाजार जैसा रुख है उस हिसाब से तो अभी तक ठीक लग रहा है, क्योंकि रेट का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा उठा पटक हो रहा है, इसलिए कस्टमर को तो थोड़ा दिक्कत होता ही है और उनका बजट भी 19-20 होता है। लेकिन करिएगा, जो चीज़ है, जो बाजार है, उसी हिसाब से चलना है हमको भी, आपको भी। पिछले बार की अपेक्षा सोने में लगभग 28% तो चांदी में भी लगभग 40% की बढ़ोतरी है, तो क्या बाजार इस बार अच्छे रहे, क्योंकि इन्वेस्ट वाला सामान आपके पास होता है? नहीं, बाजार तो देखिए अपने ज़रूरत के हिसाब से चलता है, रेट कुछ भी हो, या थोड़े कि खाली सोने चांदी का दाम बढ़ गया और बाकी दाल और सब्जी का दाम घट गया, ऐसा तो नहीं ना है। दो आदमी जो मेंटेलिटी है, थोड़े दिन के लिए दिक्कत होता है लेकिन धीरे धीरे आदमी एडजस्ट करता है, जिसको ज़रूरत है वो लेता ही है। और ये देखा जा रहा है कि हर साल जो है वजन ग्राहक का जो क्रय शक्ति उसमें घटता जा रहा है, पैसा तो उतना ही आता है और लगता भी है लेकिन वजन जो है धीरे धीरे घटता जा रहा है। अच्छा, सभी दुकानदार क्या धनतेरस के मौके पर आप लोग कुछ ग्राहकों को ऐसे भी देते हैं, ऑफर भी देते होंगे? देखिए, ये सब ऑफर ऊपर तो उन लोग के लिए है जिनको 12 महीना नहीं होता। ये पटना सिटी की दुकान है और ये वो कस्टमर हैं, यहाँ कस्टमर नहीं है, ये परिवार के लोग हैं, इसलिए यहाँ 12 महीना जो है छूट का जो सिलसिला है ग्राहक ज़बरदस्ती ही ले लेता है। यहाँ छूट का कोई स्पेशल करके दिया जाए इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, ये उत्साह होता है, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम शशि शेखर रस्तोगी हैं, जो काफ़ी पुराने दुकानदार हैं और उनका कहना है कि दाम में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन जिनको खरीदना है, जो पहले से खरीदारी के बारे में तय किए हुए रहते हैं कि मुझे धनतेरस में इस तरह सामान खरीदना है, तो वो सामान को देखते हैं, दाम को नहीं देखते हैं। रह गई ऑफर, तो दुकानदार ऑफर देते हैं, सभी दुकानदार अपने अपने तरीके से ऑफर देते हैं और यहाँ भी दिया गया है, लेकिन खरीदारी को लेकर जो उत्साह होता है वो पहले से लोगों में रहता है और उसके अनुसार खरीदारी करते हैं। और इस बार भी जो देखा जा रहा है कि और उम्मीद है कि जो धनतेरस का जो बाज़ार है वो पिछले बार की अपेक्षा ठीक रहेगा, क्योंकि दाम में भी काफ़ी बढ़ोतरी है, लेकिन इस बार जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं पूरे पटना में रौनक देखी जा रही है धनतेरस को लेकर। परमानंद सिंह, ABP News, पटना।